शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेटे वो यहाँ तो नहीं आए। लेकिन बात क्या हुई थी? जी बात तो कोई खास नहीं हुई। अच्छा मैं चलता हूँ। ये सब बलदेव की कमजोरी का नतीजा है। शुक्र है कि भगवान ने मुझे कोई लड़का नहीं दिया, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता हिस्मत की रूह से। चला पानी। माँ, पिताजी, माँ, अरे मुन्ने, अच्छा, माँ और पिताजी कहाँ हैं? चले गए। चले गए? हाँ, मम्मी ने दादा को चोर का होता ना, इसलिए वो यहाँ रात को यहाँ से चले गए। शाबाश भैया, आफरीन है तुम पर, खूब फर्ज को निभाया है तुमने। कहां है मेरी अमानत? किसके कदमों में रखूं ये कमाई? किसको ले जाऊं उस घर में जिसे मैंने अपना पेट काट कर किराए पर लिया है? चन्नी, न जाने वो कहां चले गए, मैं खुद बहुत परेशान हूं। परेशान और तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बला टल गई है ना तुम्हारे सर से। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? शर्म मुझे नहीं, तुमको आनी चाहिए, तुमको, जिसने उन माँ बाप को बोझ समझ कर घर से निकाल दिया, जो जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाते रहे, जिस बाप ने दिन रात मजदूरी करके तुम्हें इस लायक बनाया, उसको ये सिला दिया है तुम। पिताजी तुम्हें बुढ़ापे की लाठी समझते थे भैया, मगर अफसोस तुम लाठी तो जरूर हो, मगर सहारा देने वाली नहीं, कमर तोड़ देने वाली लाठी। चलनी, जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा, उसको तुम 4 दिन अपने घर में नहीं रख सकते। लानत ऐसे मर्द पर जिसे दौलत के लालच से जोरू का गुलाम बना दिया। शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते। हमने धक्के देकर तो नहीं निकाला उन्हें, कोई अपनी मर्जी से जाए तो हम क्या करें? हमने कोई कम मुसीबत नहीं उठाई उनके लिए। एहसान मानने के बदले उल्टा आंखें दिखाते हो। एहसान, वाकई बहुत बड़ा एहसान किया है आपने हमारे खानदान पर। भाई को भाई से, बेटे को माँ बाप से छीन लेना एहसान नहीं तो और क्या है? बंद करो ये बकवास और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मेरी आंखें भी इतनी बेगैरत नहीं जो इंसान के लिबास में भेड़ियों को देख सके। अंकल मुझे भी साथ ले चलो, मैं मम्मी के साथ नहीं रहूंगा। मुन्ने, मुन्ने चल अंदर। अंकल thank you.
सब कोना कोना छान मारा और मिलने वाले के घर गया, मगर ऐसे हालात में कोई भी अपने जान पहचान वालों से नहीं मिलता। वो अपनी इज्जत को लिए जरूर किसी अनजान जगह सर छुपाए बैठे होंगे। फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, घबराओ नहीं, जल्दी से ये इंजेक्शन लगवा। कितने के आएंगे डॉक्टर साहब? यही 20-25 रुपए में। 20-25 माफ करना भाई, कोई बात नहीं बाबा। भाई यहाँ कोई ऐसा दवाखाना है जहाँ गरीबों को दवा मुफ्त मिलती है? बाबा जो मुफ्त मिलती है वो दवा नहीं होती, और जो दवा होती है वो मुफ्त नहीं मिलती। यहाँ तो वो सामने एक चोपड़ा मेडिकल हॉल है। चोपड़ा मेडिकल हॉल? अगर तुम अपने बेटे से जाकर मिलो तो तुम्हारी बीवी की जिंदगी बच सकती है। बस दिल की बात सुन ली, जमीर की नहीं सुन के। अपने कपूत बेटे का एहसान लेकर अच्छा होने से ये बेहतर है कि तुम्हारी बीवी इज्जत की मौत मर जाए। इज्जत की मौत मर जाए। रुक क्यों गए? क्या सब कुछ गंवा बैठने के बाद अपने जीवन साथी को भी गंवाना चाहते हो? मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन अपने जमीर और खुददारी का गला घोंट कर जिंदा रहना मौत से भी बेहतर है। मौत से भी बदतर है। चले जाओ, चले जाओ। कब तक आहें भरते रहोगे? आहें भरने और आंसू बहाने से मुश्किल आसान नहीं होती दीना नाथ। उसे बचाना तुम्हारा फर्ज है। चाहे मजदूरी करो, भीख मांगो, चोरी करो, चोरी करो, भीख मांगो, मजदूरी करो, चोरी करो, मजदूरी करो, भीख भीख मांगो, चोरी करो, मजदूरी करो, चोरी करो, भीख मांगो, भीख मजदूरी करो। गुली जी, गुली जी, सामने गाड़ी में रख। मैं जान नहीं तो मजदूरी क्यों करते हो? इतनी क्लीन रिकवरी तोड़ कर रखी। बहुत अच्छे बेटे, जाओ 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 खेलो, बहुत अच्छे, शाबाश जाओ। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, तेरा मंगलसूत्र ठीक हो गया? क्या हाँ। अच्छा मैं इसे थाली में रख देती हूँ। थाली में रख दूंगी? दिवाली के दिन इसको ठीक करवा के लाया हूँ, इसे आज मैं अपने हाथ से तुम्हें पहनाऊंगा। अच्छा जी, आप भी पहना दीजिए, मगर अभी नहीं, लक्ष्मी पूजन के बाद। क्यों लक्ष्मी पूजन के बाद? क्यों? देखो लक्ष्मी, तुम साल में एक बार लक्ष्मी पूजा करती हो, वो भी दिवाली के दिन, और मैं अपनी हर सांस के साथ अपनी लक्ष्मी की पूजा करता हूँ। देखा, तुम्हें चाहा,
तुम्हें पूजा है मैंने। पति देव जी, आज क्या है? आज दिवाली है। दिवाली तो आपके हाथ में मिठाई कहाँ है? अरे तुलवा के रखी थी लेकिन वो इसके चक्कर में लाना भूल गया, अभी लेके आता। नमस्ते नमस्ते, दिवाली मुबारक। राम राम शंकर भैया। हाँ भाई, दिवाली मुबारक। दिवाली साल में एक ही दफा क्यों आती है? बार बार क्यों नहीं आती? आप हुक्म कीजिए शर्मा साहब, ऐसी दिवाली हम हरात को मना लिया करें। राजा राजा, आया माँ आया। बेटे जल्दी आओ, पूजा करनी है। माँ बस थोड़ी देर, माँ बस थोड़ी देर। तक अपनी बेटी को छुआ तक नहीं, तुमने पत्थर मारकर उसका खून बहा दिया। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हरामजादे। ये जरूरत के हमारे घर में आकर हम ही को पत्थर मारे? इसकी मां मर गई है सर जी, मामला हो गया है। उसे इतनी अकल नहीं कि बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है। माफ कर दो सर जी, माफ कर दो। जाने दीजिए ना, ले जाओ उसे। लेकिन आज के बाद अगर ये इस बंगलों के आसपास भी नजर आया तो जिंदा गाड़ दूंगा उसे। नहीं आएगा, नहीं आएगा। दबा हो जाओ यहां से, जाहिल कहीं थे। हाँ
राजा राजा मेरे बेटे, देख आज मैं तेरे लिए एक ऐसी चीज लाया हूँ कि तू पहन के जाएगा ना तो सब पूछेंगे कहाँ से खरीदी है। एकदम लेटेस्ट शर्ट है, दुकान में सब मांग रहे थे इसे। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं अपने राजा के लिए लेके जाऊंगा। अरे रंग तो देख कितना सजेगा मेरे बेटे पर, तेरे रंग पे कितना खिल के आ रहा है ये रंग है। जा पहन के दिखा, जा जल्दी पहन पहन के आना। क्या देख रहा है, क्या देख रहा है यार? अपनी माँ को देख रहा हूं। मौसी ये ऊपर वाला भी अपने टेस्ट पे टेस्ट ले रहा है। ए भीकू जाओ जल्दी से बांधो इसे। हाँ शंकर भैया, लाओ लाओ ठीक से रखना बेटे। हाँ हाँ मौसी ठीक से रख। मौसी अब तो हद हो गई, सेठ जी से बात कर ही लें कि उन्होंने हमारी मांग के बारे में क्या सोचा है। कल्ला देखो कौन है, लगता है कोई सताई हुई औरत है। चलो सरदार के पास ले चलते हैं। हाँ कौन हो तुम? चलो सरदार सुल्तान सिंह के पास। सरदार की जय हो। ये लड़की कौन है? इसके पीछे पुलिस पड़ी है सरदार, जरूर कोई गड़बड़ है। पुलिस की नजर बचाकर इसको मैं जिंदा लेकर आया हूं। कहीं अभी पुलिस के साथ तो नहीं मिली हुई है? ऐसा कुछ नहीं है सरदार, पहले आप मेरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप मेरी मदद जरूर करेंगे। कैसी कहानी सरदार? आज से 2 महीने पहले मैं, मेरा बड़ा भाई अमर, छोटा भाई राजेश, मेरी माँ शारदा झांसी में रहते थे। मेरा भाई वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर है। एक दिन मुझे रुद्रपुर से मेरे नाम की रजिस्ट्री आई, उसमें लिखा था कि मुझे वहां की पाठशाला में टीचर की नौकरी मिल गई है। अरे वो गांव का मामला है और तू शहर की रहने वाली, वहां जाके एडजस्ट कर पाएगी तू? कैसी बातें करती हो माँ, डैडी भी तो गांव के थे और शहर में आके तुम्हारे साथ कैसे एडजस्ट हो गए थे। वैसे भी माँ मैं वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, लड़ाई नहीं करने जा रही। अरे चिंता किस बात की माँ, अपने स्टार वाले भैया कब काम आएंगे, जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है। भाई मुझे तो अपना फर्ज पूरा करना है, चोर को सजा और साहूकार को रिहाई। मान लो दीदी चोर बन गई, क्या तुम उनको भी हथकड़ी पहना दोगे? अरे तू तो ऐसा कह रहा है जैसे वो डाकू बन गई है। नहीं माँ मैं तो बात साफ कर रहा था, फर्ज बड़ा खून होता है। नहीं स्मॉल ब्रदर, हमारे रिश्तों से भी बड़ा है फर्ज का रिश्ता, जो कर्ज है हमारी ईमानदारी और हमारी सच्चाई का, जो हमें पूरा करना ही करना है। माँ यहाँ तो कर्ज और फर्ज की बातें शुरू हो गई है, आप मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे रुद्रपुर गांव में पहुंचना है। दीदी तुम अकेले जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। क्यों तुम्हें भी गांव में रहना है क्या? वो इसलिए कि रक्षाबंधन को तुम नहीं आओगी तो मैं खुद गांव चला आऊंगा। तो ये बात है तो चलो। अच्छा माँ अच्छा भैया चलते हैं। चल।
लड्डू डाला हो पतवा। अरे लड्डू क्या लाएगा, मैं डालूंगा। अरे मिर्ची लगेगी मिर्ची। अरे कुछ नहीं है। अरे क्या खेलने का, छोड़ा यार। अरे लड्डू जरा देख कौन आ रही है। ए भैया बदलू, ये तो कोनो लड़की लागत है। पर अपने गांव का नहीं। भैया तुम सभी पत्ता उत्ता समेट कर चलते बनो, काहे स्कूल का मामला है। और मास्टरनी जी भी आने वाली थी। देखा तेक कहीं वही तो नहीं है। हाँ भैया देख ले। बुद्धिराम चौकीदार तुम हो? हाँ हम ही हूँ मैम साहब। ओ तो तुम हो। आप लोग स्कूल के कंपाउंड में पत्ते खेल रहे हो और साथ में शराब भी, कितनी गलत बात है। क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। हम यहाँ के ठाकुर गजराज के नौकर है, वो भी खासम खास है ना। बदलू सी नाम है उर्फ बादल। जो हम करते हैं ना वही सही करते हैं। अब जब स्कूल बंद है तो हम क्या करें? बोलो बोलो हम क्या करें? ठीक है जाओ तुम लोग। चौकीदार तुम हमें रहने का कमरा दिखा दो। चलिए टीचर जी। अलवे तेरा संभाल के ले जाना। ये तुम संभाल के जाना, हमारी परवाह मत करो। हे बच्चुआ काहे परवाह नहीं होगी, हमारे गांव में टीचर जी आई है तो परवाह तो होगी। वैसे भी स्कूल हमारे ठाकुर गजराज के जमीन पे बना है, समझा? कहा आ गया बचवा शहरी। लेकिन अब गवर्नमेंट का है। ए मैम साहब अभी गांव की गवर्नमेंट ठाकुर गजराज है, कल सुबह सलाम ठोकने आ जाना, समझा? ए लड्डू लाला। हां भैया चल बे, बहुत चच रहा है। चलो भैया चलता हूँ मैम साहब। चल बे चलिएगा टीचर जी। अच्छा बुद्धिराम। हाँ जी। स्कूल में कुल कितने बच्चे आते हैं? बच्चे आने की बात कर रही हैं आप? अरे यहाँ तो बूढ़े भी नहीं आते। राम राम मास्टरानी जी। राम राम। अच्छा हेडमास्टर साहब कितने बजे आते हैं? वैसे अब आने का समय हो गया है। अच्छा दीदी अब मैं चलता हूँ। वैसे भी कल रक्षाबंधन है, तुम समय पर घर चलिए ना, वरना 12 बजे के बाद मैं आ जाऊंगा। क्या राजेश बाबू आप भी राखी के पीछे पड़ गए हैं? क्या तुम्हारे कोई बहन नहीं है? अरे दुनिया में हम बिल्कुल अकेला हूँ, हमारा कोई बहन नहीं है। इसीलिए तुम्हें रक्षाबंधन का महत्व नहीं मालूम है। अगर ये बात है तो मैं आपको राखी बांध दूँ? राखी की तुम बेइज्जती कर रही हो दीदी। ये तो ऐसा बंधन है जो भाई बहन का फर्ज अदा करता है और वादे के मुताबिक अपनी जान दे देता है। अगर ये बात है मेरे भाई तो मेरा भी तुमसे वादा है कि तुम पर कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो तेरे लिए ये बहन अपनी जान भी दे देगी। रेशमा बेटी, रेशमा बेटी। हेडमास्टर दीनानाथ जी आप? हाँ बेटी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं मास्टर जी, हमें घर घर जाकर बच्चों के बारे में बात करनी है ताकि वो पढ़ लिख सकें। मास्टरनी जी यहाँ ठाकुर गजराज गोवर्धन लाला दामोदर शेर सिंह की इजाजत के बगैर घर में चूल्हे नहीं जलते, बच्चे क्या पढ़ने आएंगे? अच्छा मैं जाके देखती हूँ। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ। अच्छा राजेश बाय। आइए। रिद्धि के प्यादे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली जमीन पे काम नहीं करेगा? और तूने ये सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? मालिक रात दिन खटा था, पीके पानी जिया था, ऊपर मजदूर नहीं मिला था, ये खातिर हम शहर जाना चाहते हैं। ओ शहर जाना है तुमको? भेजूंगा, तुमको ले जाने के लिए मैंने इंस्पेक्टर को बुलाया है। नहीं मालिक नहीं, वो बहुत पारद है, वो कर नहीं बुलाओ। हम काम पर जाएंगे मालिक, हम काम पर जाएंगे मालिक। काम पे जाओगे ना? जाएंगे मालिक जाएंगे। आइंदा ऐसा कभी नहीं बोलोगे ना? नहीं नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। माजरा क्या है? गधों के सिंग निकल आए हैं। कहो तो मार मार के तोड़ डालो साले को। उनको तोड़ देगा तो काम कौन करेगा तेरा बाप? सरकार भाई जी ना, भाई जी स्कूल में पढ़ाने आई है। तुम्हारा मतलब है स्कूल फिर से खुल गया? हाँ। ये तो अच्छी बात है, गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। ये क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? अगर वो पढ़ लिख गए तो बही खाता पढ़ने लगेंगे, फिर मेरे ब्याज का क्या होगा? ओ, ये तो हम सोचा ही नहीं। तुम तो आ गए लाला, वो शेर सिंह और दामोदर नहीं आए? आ गए हम पीछे पीछे ठाकुर। कुछ करो ठाकुर, वरना इसके दारू का धंधा तो चौपट हो ही जाएगा, मेरे भट्टी का भी भट्टा बैठ जाएगा।
सुन रहे हो तुम इंस्पेक्टर? ये हमारे दो दोस्त कितने बहादुर हैं, एक औरत से डर गए। अरे बेवकूफो, वो हमारे स्कूल में पढ़ाने आ रही है, तुम लोगों का काला चिट्ठा देखने नहीं आ रही है? बदलो। हाँ सरकार। कैसी है ये टीचर? सरकार हमें तो ठीक नहीं लगी, पर क्या करें, गवर्नमेंट का जो मामला है। यहाँ की गवर्नमेंट हम है हम। सरकार सरकार यही कहते रहे, हम यही कहते रहे, पर क्या करें, सलाह ठोकने नहीं आई। क्या